अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये आप चटनी देख रहे हैं, मैंने पिछले व्लॉग में बनाई थी। पराठों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है, इसके साथ नाश्ता करने में बहुत मज़ा आता है। मेरा आज का व्लॉग ईद की शॉपिंग का है। आज हम सुबह जल्दी उठे और जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए, क्योंकि सुबह जल्दी जाने से इजीली शॉपिंग हो जाती है और रश भी नहीं होता। और फिर हम जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत रश था। जूते, शूज, सैंडल्स, बैग, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अहमियत की हामिल हैं। जूता वही लेना चाहिए जो पहनने में कंफर्ट हो। कुछ लोग फ्लैट जूते पसंद करते हैं और कुछ को हील पसंद होती है। मेरे ख्याल में जूते वही लेने चाहिए जिसे पहनकर आप कंफर्ट फील करें और इजी फील करें। ऑलवेज गो टू कंफर्ट। जब भी हम जूते लेने जाते हैं तो ट्राई करने में इन्हें 1-1.5 घंटा लग ही जाता है और वक्त गुजरने का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि जूते खरीदना तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान देखकर वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है क्या ले क्या ना ले। और जूतों में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, इसलिए इनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी हम बाज़ार जाएं तो हमें घर से निकलने से पहले ही माइंड बना लेना चाहिए कि हमने क्या लेना है, क्या ख़रीदना है, किस रेंज तक का लेना है। अगर हम ये सोच कर निकलते हैं तो शॉपिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है। सस्ते से लेकर महंगे तक हर चीज़ मिलती है। यहीं पर सेकंड फ्लोर में कुछ कॉस्मेटिक और ज्वेलरी भी थी। मैंने स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें ली। फिर हमने कुर्तियाँ, ट्राउज़र देखे और मुझे 2 कुर्तियाँ बहुत पसंद आई जो मैंने ली। यहाँ पर दुपट्टों की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है और दुपट्टे मुझे बहुत पसंद आए और इनमें से कुछ चंद दुपट्टे मैंने ख़रीद भी लिए। यहाँ से कपड़े ख़रीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले में लगे होते हैं और इनको ख़रीदना इजी लगता है। यहाँ से मैंने अपने लिए 2 सूट लिए हैं। दुपट्टों की इधर भी बहुत वैरायटी आई हुई है। बहुत ज़्यादा फुटेज तो मैं बना नहीं सकी और फिर हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम फिर घर चले गए। रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, वापस घर पहुँचते पहुँचते हमें 2 घंटे लग गए। रास्ते में बल्कि हमने रोटियां भी ली, जाके घर में जो सालन बना हुआ था फटोफट से खाना खा लिया। ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं। ये मैं ईद के लिए सूट अपना अनस्टिच सूट लिया है, जब से सी लूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। ये साथ में कुछ कुर्तियाँ ली हैं, ये एक ब्लैक सूट है, कुछ ट्राउज़र लिए हैं और कुछ ये 2 दुपट्टे मैंने लिए हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे। इस व्लॉग में आपको मैं थोड़ी सी शॉपिंग दिखा रही हूँ, बाकी की शॉपिंग मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। ये मैंने घर पहनने के लिए जूते लिए थे अपने लिए। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।